मेरा नाम दीक्षा मंडल है, मैं नेपाल की रहने वाली हूँ। आई एम करेंटली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट और मैंने गुरुजी से दीक्षा 2009 में ली थी जब गुरुजी काठमांडू पधारे थे। और मेरे पेरेंट्स ने गुरुजी से दीक्षा 2002 में ली थी, तब से ही हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं। अभी बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बम बम ठाकुर करके नाम से बहुत सारी आइडिया बना रहे हैं लोग, ग्रुप बन गया उन लोगों का, ये सब बोल रहे हैं, मैसेज फैला रहे हैं गलत गलत मैसेज कि गुरुजी को अंदर रखने में आश्रमवासी और संचालकों का हाथ है, जबकि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। उनका सिर्फ एक ही मोटो है कि हमारी एकता को तोड़ना, इसीलिए वो सब गलत गलत मैसेज फैला रहे हैं कि जो आश्रमवासी ही गुरुजी को बाहर नहीं आने देना चाहते हैं, जबकि ये साफ साफ गलत है। गुरुजी ने अपने स्वयं श्री मुख से हम सबको सुनाया कि ये सब गलत बात है, आश्रमवासी कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। और गुरुजी ने साधकों को सचेत रहने के लिए कहा है और सभी साधक को वैसे सब भ्रमित बातों पे ना आने के लिए कहा है। गुरुजी के साफ साफ वचन थे ये कि ऐसा सब गलत बात है, गुरु परिवार नाम करके बहुत सारे लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, गलत गलत प्रचार कर रहे हैं साधकों पे, जिसका असर साधकों पे हुआ है, बहुत सारे साधक भटक गए हैं। पर बापू जी के श्री वचन सुनकर सब साधक को अब यकीन हो गया है। और फिर उसके बाद गुरुजी ने सबको बोला है कि सभी मेरे साधक सचेत रहें, ठगे मत जाना। हरिओम।